नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त बेबाक सवाल में मेरे साथ हैं वर्तमान सांसद जालोर सिरोही देवजी पटेल और भाजपा के उम्मीदवार भी। देवजी पटेल पिछली दो बार से यहां लगातार सांसद रहे हैं और वो तीसरी बार फिर मैदान में हैं। ये जालोर सिरोही जो संसदीय क्षेत्र आपका ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक छोटी सी जगह रामसिंह पर अमित शाह को बुलाने की कोई वजह? रामसिंह छोटी जगह नहीं है, रामसिंह में आपेश्वर जी का मंदिर है और शिव जी का बड़ा आशीर्वाद है। रामसिंह इसलिए लोकेशन रखा है कि जालोर सिरोही का वो सेंटर पॉइंट गिना जाता है, ताकि लोगों को आने में वहाँ पे सभा में आने के लिए सुविधा हो। ऐसा छोटा पॉइंट उसको नहीं बोल सकते हम लोग। जब भी कोई बड़ी सभा रखते हैं तो कोई भी ये सोचता है कि सेंटर पॉइंट पे हो तो आवागमन ठीक रहे। जो भी लोग अमित शाह साहब को सुनने आ रहे हैं तो वो आराम से वहाँ पहुँच सके, इसलिए वो रामसिंह पॉइंट। क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को लगा कि मेरी जाने की जरूरत नहीं, देवजी भाई तो ऐसे ही आ जाएंगे, इसलिए वो नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी की रैली की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन उनकी व्यस्तता बहुत होगी क्योंकि राजस्थान को शायद 7 रैलियाँ मिली है जो जहाँ तक मैंने सुना है। अगर 9 रैली मिलती तो उसके अंदर अपना जालोर भी था। अभी भी हमारा हाईकमान प्रयासरत है कि भाई अगर 9 रैली हो जाती है तो मोदी जी की भी रैली का प्रयास हम अभी भी कर रहे हैं। क्या लोगों को ये भी उम्मीद है कि तीसरी बार आप जब सांसद बनेंगे तो अगर सरकार बनती है तो कहीं मंत्री की तरफ बढ़ेंगे? मुझे ऐसी कोई मंत्री और ये सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मुझे एक ही इंटरेस्ट रहता है, मैं लोगों का जनसेवक बनके जनता की सेवा करूं और यहाँ का जो विषय है उस विषय को ले जाकर लोकसभा में रखूँ। लोकसभा से जो योजनाएँ अच्छी योजनाएँ हैं, वहाँ से जो हमारी सरकार अच्छे कार्य कर रही है, उनको लाके लोगों के बीच में लगाऊँ। बाकी मुझे ऐसा कोई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि किसान की कोई जात नहीं होती है, आप खुद एक किसान के बेटे हैं, आपके इलाके में जो संसदीय क्षेत्र में हर जातियाँ हैं, हर ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर उनके पास है, तो फिर भी ये क्यों नहीं समझ पाते हैं लोग और फिर लोग बढ़ जाते हैं जब चुनाव आते हैं तो जातियों में, फिर किसान की जाति क्यों हो जाती है चुनाव में? ये अवेयरनेस आएगी, जैसे मैं सब जगह पे कहता हूँ, अभी कई लोग मुझ पे भी जातिवाद का आरोप लगा देते हैं, लेकिन जो लोग लगाते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि कई बार मेरे पास में ऐसे कार्य आते हैं जो मैं कार्य करता हूँ तब मैं उस जाति को देख के नहीं, मैं एक ही सोचता हूँ कि मेरे क्षेत्र का लोग है। अभी आज मेरे पास में बाड़मेर के एक विषय आया, उन्होंने कहा कि ये करना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको उसकी जाति नहीं पूछी थी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर को जाति नहीं पूछते हो कि आपकी कौन सी जात है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप जब ब्लड लेना है तब आप किसी को जात नहीं पूछते, आप सीधा बोलते हो कि भाई मुझे तो ब्लड चढ़ा फटाफट। आप जब धान, जो हम गेहूँ है, बाजरी है, जो जवार, ये धान है, इसको हम मंडी में बेचते हैं, बेच के जब हम वापस उसको खरीदते हैं तब हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हम तो इसी जाति के खेत वाले से धान लेंगे, बाकी किसी का नहीं लेंगे। जब इसमें जातियाँ नहीं आती है तो ये दूसरी चीज़ों में जातियाँ क्यों? ये मेरा मानना है, सामाजिक परंपरा में एक जाति की प्रथा डाली हुई है, मैं उसको कोई चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ अच्छे काम करने के लिए और देश हित में और राष्ट्र हित के लिए जाति का विषय नहीं आना चाहिए। तब एक ही चीज़ आनी चाहिए कि देश में विकास जो हो रहा है उस विकास को हम देख के आगे बढ़ें। आज देश की सुरक्षा पे जो हमारा जवान वहाँ पे डटा हुआ है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी जाति वाले पे अटैक हो रहा है तो ही मैं उसको बचाऊंगा। उन्होंने देखा भारत माता की हमें सुरक्षा करनी है, हमें भारत माता का बचाव करना है, वहाँ रह रहे सभी नागरिकों की हमें सुरक्षा करनी, इसके लिए उन्होंने शहादत दी। जब वो जाति का सोच नहीं रहे जो हमें बचा रहा है, जो हमें अन्नदाता खाना दे रहा है वो जाति का सोच नहीं रहा है, जो डॉक्टर हमें जीवन बचा रहा है वो जाति की बात नहीं कर रहा है, तो हम जाति में क्यों बटे? मेरी ये सोच है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये जातियों में बंटना ठीक है, देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए।